जय गणित। आज हम क्लास इलेवेंथ का जो पार्ट लास्ट टाइम छूट गया था मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 से आगे का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 27 पर आप निकाल लें। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करें ढंग से। ये कहता है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। ठीक, तो इसका आंसर लिखें। अब देखें, ये प्रूव करने के लिए हमारे को शो दैट करना है, तो एक हम इसका एक एग्जांपल लेंगे जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करे। दिस इज़ रॉन्ग। वैसे इसमें लिखें इट इज़ नीड नॉट इम्प्लाई दिस ना, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू टू वेरीफाई या टू शो we consider following a counter example, जो भाई इसको साबित करेगा। ठीक, तो देखें इसमें let कर लीजिए, set A को मैं मान रहा हूँ suppose AB। ठीक, एंड बी को मैं मान रहा हूँ सपोज ए सी, एंड सी सेट को मानता हूँ सपोज ए डी, या आप कुछ भी बना सकते हैं। दिख रहा है ना वैसे सी सेट जो है? हाँ, वैसे दिख रहा है। तो देखिए, ये आप चाहो तो न्यूमेरिक ले सकते हो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो और 1 4 ले लो, ये आपकी इच्छा है। ठीक, अब इसमें हम ये देखेंगे कि देखें ए इंटरसेक्शन बी इज़ व्हाट। इस तरीके से इस एग्जांपल को बनाया है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन है, देखो इन दोनों का व्हाट है, ए है, छोटा है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी में व्हाट कॉमन है, छोटा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई बी आपका सी के बराबर हो गया। ठीक, ओके, क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो, जैसे न्यूमेरिक लेना चाहते हो तो इसे 1 2 लो, सपोज लेने को आप कुछ भी ले लो, 1 3 ले लो इसे, और इसे ले लो 1 4। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो ए कॉमन आ रहा है। ठीक, ओके, बी इंटरसेक्शन सी भी कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी भी एग्जिस्ट कर रहा है आपका। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी सेट आपका एग्जैक्टली सी सेट के क्या है, इक्वल। ओके, तो बस ये आप इसको वेरीफाई करके दिखा दें, ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट ए, एंड ए इंटरसेक्शन सी इज व्हाट अगेन ए। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब लिखें बड़ा सा बट, ओके, बी सेट इज नॉट इक्वल टू सी एज बी के एलिमेंट हैं ए और सी, और सी के एलिमेंट हैं ए और डी। तो भाई ए ए तो ठीक है, लेकिन सी इसमें है तो इसमें नहीं है, और डी इसमें है तो ई इसमें डी नहीं है। ठीक, सो ये इसका काउंटर एग्जांपल बेस्ट फिट है कि भाई उसने कहा शो करो कि ये बराबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी बराबर है। तो हमने कहा इट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है भाई, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो उसका एक काउंटर एग्जाम्पल दे के हमने सॉलिड इसका प्रूफ कर दिया कि भाई ये बात सच है कि बी सी बराबर नहीं होंगे। ठीक, अब वो तुक्का है, बनाने को बना दो, बट ये इसको फेल कर गया तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। और अब लिखें इलेवेंथ क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन को ध्यान से लिखें, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा टाइम लेगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि लेट करें ए एंड बी आर सेट्स।
ए एंड बी हमारे क्या हैं इसमें सेट्स हैं, और इफ ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई है एंड ए यूनियन एक्स बराबर आपका बी यूनियन एक्स है फॉर सम एक्स, फॉर सम सेट है एक्स, देन कहता है शो दैट ए जो है वो इक्वल टू बी होगा। जब भी याद रखें सेट्स को इक्वल शो करना है तो हमारे को एक सबसे बढ़िया मेथड होता है कि ए सबसेट बी दिखा दें और बी सबसेट ए दिखा दें, तो उससे क्या होगा ए बी में कंटेंड है बी ए में कंटेंड है, तो ये जब भी संभव है जब दोनों क्या होंगे इक्वल। तो स्टार्टिंग करें इसकी, ये देखें ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स है क्योंकि ए बी की बात कर रहे हैं, तो हम इससे लिखेंगे बिकॉज लिखें गिवन ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ठीक इसे नोट कर लीजिए। अच्छा अब लिखें टेकिंग ए इंटरसेक्शन बोथ द साइड्स वी गेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन का ओवर यूनियन लगा दें तो देखें। अच्छा लेकिन ये तो आपका वैसे ही हो गया। अब देखें अगर मैं सेट थ्योरी लूँ, ध्यान से देखें, अगर मैं ये ए है हमारा सपोज ये एक्स है, और अगर मैं कहता हूँ ए ये पूरा और ए यूनियन एक्स मतलब ये पूरा, और एक्स सर्कल को डार्क कर दो दोनों सर्कलों को, और उसमें ए है हमारा ए, और ए यूनियन एक्स का अगर मैं कॉमन आपसे पूछूं तो वो ए पार्ट आएगा नहीं, ए का जो सर्कल है, तो दिस इज सिंपली व्हाट ए, ठीक। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इसका यूज़ करा था, तो दिस का रीज़न भी लिख दूंगा अभी। तो अब देखें ये राइट साइड में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना ही पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन व्हाट बी, ओके इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा यूनियन और आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी पहले मैं रीजनिंग लिख दूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। ये देखें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अगर बी हो तो वो ए होता है, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी यूज़ करा था, ठीक। मे बी शायद 9th क्वेश्चन जो हमने लास्ट करा था शायद उसमें ही इसका प्रयोग करा था, ठीक। सो ये आपका वही जो मैंने इसको समझाया, एक्स की जगह बी ले लो तो बात वही हो जाएगी, ठीक। ये रीजनिंग हो गई इसकी। एंड नाउ चेक कीजिए कि ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ बना बना कि नहीं बना, इसको ध्यान से देखें, और ये ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ है, ओके। और मैंने शुरुआत इससे इसलिए नहीं करी थी क्योंकि ये फाई गिवन था, यहाँ से शुरुआत करी थी, अब समझ आ गया होगा। अब ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है फाई के, राइट डाउन कर दीजिए दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एंड व्हाट यूनियन क्या लिख दूं यहाँ फाई, बिकॉज गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स इज व्हाट फाई, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा अब इसको मन में माने, ये ए सेट एक सेट है मान लीजिए एक्स है, एक्स यूनियन फाई, किसी भी सेट के किसी भी सेट को हम यूनियन करेंगे फाई से तो वही सेट आएगा। तो इसको लिखें ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, और रीजनिंग के तौर पे लिखें एक्स यूनियन फाई इज़ व्हाट ऑलवेज एक्स, किसी भी सेट को फाई में ज्वाइन करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, हमेशा आपका वो सेट एक्स ही आएगा ना वापस जो है, ठीक। तो अल्टीमेटली जो हमारा बना वो क्या बना, ए सेट ए इंटरसेक्शन बी के यदि बराबर है तो ये हमारा इम्प्लाइज कर जाएगा ए इज सबसेट ऑफ व्हाट बी। इसको भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि ये बच्चों को परेशान करता है बहुत। अब सोचो मैं एक इसमें ये पेपर में बना के आओ ना आओ, भाई बनाया हो तो और अच्छी बात, अगर मैं ये लूँ ए
सपोज ये ए लेता हूँ, ये बाहर वाला सर्कल मेरा बी है, ठीक, फिगर थोड़ा बेटर बना दूँ, ये ए है और ये बी है। अभी आपने कहा ए जो है ये सर्कल ए का, ए और बी सर्कल का कॉमन है, और आप खुद देखो अगर इस सर्कल को पूरे को देखें, इस बी सर्कल को, बी पूरा है और ए उसका एक पार्ट है, ठीक, तभी ऐसा संभव है कि अगर मैं ए का और बी का कॉमन लूँगा तो ये ए ही सर्कल आएगा, मतलब ए सेट ही आएगा। ये जब ही पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब ए सबसेट किसका होगा, बी का, ठीक। तो ये चाहो तो ये डायग्राम बना देना, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो फाइनली हमने एक पार्ट प्रूव करा इसका, ए सबसेट बी। इसको आप ऐसा करें, एक पार्ट को कॉपी जल्दी से, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि जगह कम बची है, ऐसे ही प्रूव करके दिखाऊंगा बी सबसेट ए, ठीक। तो या यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी तो अब आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ के बाद हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अच्छा अब लिखें, यहाँ लिया था हमने टेकिंग ए इंटरसेक्शन, अब की बार लीजिए टेकिंग बी इंटरसेक्शन लीजिए, ठीक, बोथ द साइड। लिखें नाउ टेकिंग बी इंटरसेक्शन बोथ द साइड्स ऑफ ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, वी गेट, आपका देखें बी इंटरसेक्शन, ये प्री लो या पोस्ट लो उससे कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अच्छा अब जरा फिर ध्यान से देखें कि भाई बी का ए और एक्स, ये तीनों दे रखे हैं, अब यहाँ बी और बी रिपीट हो रहा है। अच्छा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स अगर देखें तो बिल्कुल यही चीज़ नहीं क्रिएट हो रही यहाँ पर, तो इसको स्ट्रेट अवे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। बी और बी यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन हमेशा बी सेट ही होगा, तो ये रीजनिंग पहले लिख दूँ कि भाई ए, यही रीजनिंग लिखनी है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ऑलवेज व्हाट ए, तो ये बी क्यों हुआ उसका रीजन हो गया। अब इस पे लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो बी इंटरसेक्शन ए, बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा हमारा यूनियन, तो इसको देखें बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक। अच्छा अब वापस देखें इसको, बी इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो दिख रहा है ना ये, अब यहाँ के बाद गो टू स्टार, स्टार बना रहा हूँ, और वैसे आपको पहले बता दूँ बी इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, और बी इंटरसेक्शन एक्स है उसको कोई टेंशन नहीं, वो यहाँ दे रखा है बी इंटरसेक्शन कितने के बराबर, फाई के, रिसोर्स इसको देखें। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ स्टार कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्शन यहाँ बन गया। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन आपका फाई, वाई दिस फाई, इसका रीज़न भी लिखें, बिकॉज इट इज़ गिवन बी इंटरसेक्शन एक्स इज व्हाट, बी इंटरसेक्शन एक्स जरा ऊपर देखें क्वेश्चन में, इज व्हाट फाई गिवन, गिवन है ना, मेरा बी इंटरसेक्शन एक्स इज फाई, सो इसको फाई लिख दिया। अच्छा किसी भी सेट का यूनियन करोगे फाई के साथ तो वो सेट ही रहने वाला है, तो इसको लिखें ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, इज इक्वल टू व्हाट बी, बिकॉज रीजन लिख दो कि भाई एक्स यूनियन फाई इज द एक्स, ठीक। एंड नाउ आप इसको कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर आ रहा है, तो ये सिचुएशन ये वाली जो थी उल्टी हो गई, यहाँ आपका बी हो गया यहाँ ए हो गया, उस वक्त क्या कहेंगे, बी इज ए पार्ट ऑफ ए, तभी तो ऐसा संभव है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कहूँ तो वो बी के बराबर आ जाए। सो इसका वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता हो तो लो बना देता हूँ, दिस इज़ बी और दिस इज़ व्हाट ए। ये सिचुएशन को बिल्कुल गंभीरता से समझें कि भाई बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब ए सेट तो बड़ा सर्कल है यहाँ, और बी सेट क्या है, छोटा सर्कल। अगर आपका ए एंड बी देखें तो कौन होगा, ए और बी का मतलब ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन बी सेट है, दैट सेट इज बी है, और ये कब संभव है,
जब बी सबसेट किसके है, ए के। दिस इम्प्लाइज वट, बी सबसेट ए, दिस इज नंबर वट टू। अच्छा, नंबर वन एंड नंबर टू, नंबर वन मैंने आपको बताया जब भी दो सेट्स को बराबर दिखाना है तो हमारे को बेस्ट तरीका होता है कि ए सबसेट बी दिखा दें और बी सबसेट ए। तो यहाँ लिखें फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट ए बराबर बी, और यहाँ हैंस प्रूफ लिख दें। ठीक, कितना अच्छा लगता है बच्चा जब ये पूरा करके ईमानदारी से और सही होता है, और हम जब लिखते हैं हैंस प्रूफ, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसमें। ठीक, और कितना मज़ा आता है कि हाँ हो गया। ओके, तो ऐसी खुशी का एहसास करने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। तो आप बस मेहनत करें, आप विश्वास करें अपनी मेहनत पे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ओके, तो जल्दी इसे कॉपी कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें, समझना है इसको 2-3 बार प्ले करके देखना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और ये डायग्राम वगैरह सब बना के आना। ओके, आई होप आपका ये नोट हो गया है। तो अब देखें 12th क्वेश्चन को पढ़ें। तो देखें 12th क्वेश्चन की स्टोरी क्या है। 12th क्वेश्चन कहता है फाइंड सेट्स, कहता है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट, छोटा एस टी, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आए। और कहता है नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमें दिखाना है फाई। मतलब कहने का ये हुआ उनमें दो दो के उसमें तो कॉमन है, दो दो में तो नॉन एम्प्टी है हमारा, कुछ ना कुछ है कॉमन, बट तीनों में एक साथ कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक, तो उसके लिए मैं आपका एक लिख लीजिए, एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। लिखें टू टू शो दैट, टू फाइंड सेट्स ए बी सी लेट वी या वी कंसिडर फॉलोइंग एन एग्जाम्पल। वी कंसिडर फॉलोइंग एन एग्जाम्पल जिससे हम इसे समझा पाए, सेट्स को फाइंड कर पाए। अब जरा देखें इसमें कि ए सेट को मैं लेट कर रहा हूँ, इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि ए बी का कॉमन, बी सी का कॉमन, ए सी का कॉमन बने, परंतु ए बी सी का कॉमन बनने मत दो बस। ठीक, जिससे वो हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो इसको ए बी लिया, बी सेट को मैं लेट कर रहा हूँ, सपोज आपका भाई ए सी। ठीक है, एक छोटा ए है। ओके, अच्छा सी सेट को मैं लेट कर रहा हूँ, आपका सपोज बी सी। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी आपका है, व्हाट इज दैट ए। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी इज व्हाट, चेक करें बी बी और सी में व्हाट कॉमन, सी ना। अच्छा, नेक्स्ट में देखें ए इंटरसेक्शन सी व्हाट कॉमन, आपका भाई ए और बी और इधर बी सी, तो बी कॉमन आ गया, राइट। हाँ ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी नॉट एम्प्टी, कुछ ना कुछ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ है, बट आप नाउ अब जरा मुझे बताएं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तीनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, तो तीनों में तो देखें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इट इज़ व्हाट फाइव। ओके, तो हमने वो सेट्स फाइंड कर लिए, तो
ये और ये मींस कैपिटल मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, दिस इज हमारा आंसर जो कि एक क्वालिटी रखता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, ये तो मैंने एक छोटा सा फटाफट बना दिया। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, 13th क्वेश्चन है आपका, कहता है 600 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन ए स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखें, 600 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और वो कहता है कि भाई एक स्कूल में 150 उसमें से पाए गए टी, टेकिंग टी एंड 2 to 5 कॉफ़ी। तो जो टी लेने वाले हैं वो पाए गए 150, और भाई जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो 2 to 5 पाए गए। अब ये कहते हैं 100 जो है वो बोथ पाए गए, टी एंड कॉफ़ी बोथ, 100 स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये कहता है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो आपको जो इसने अंग्रेजी लिखी है, नीदर टी नॉर कॉफ़ी, सबसे पहले तो इसकी ट्रांसलेशन है, ये फाइंड करने को बोला। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यू हैव टी ड्रिंकर, यू हैव कॉफ़ी ड्रिंकर, यू हैव बोथ ड्रिंकर, टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो मैं पहले ये निकालूंगा कि एटलीस्ट वन ड्रिंक लेने वाले कितने लोग हैं इसमें, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। मान लीजिए जो भी आएगा 600 में से उसको मैं घटा दूंगा, तो वो बच्चे आ जाएंगे ना जो ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते। ठीक, दिस इज़ टू फाइंड हमारा। ठीक, तो देखें मार्कर पलट लूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा लिख रहा है। तो देखें इसको लिखें, पहले मैं निकालने जा रहा हूँ इसका सल्यूशन जो है वो लिखें, एट लीस्ट वन ड्रिंक आउट ऑफ टू ड्रिंक्स फॉर दिस वी रिक्वायर्ड एन टी यूनियन सी, ठीक है, एंड बिकॉज यू नो टू सेट्स का एक फार्मूला हमने लिखा था, इसमें काफ़ी चर्चा, इसका प्रूफ तक करा था, एन टी प्लस एन सी, ये टी है, और माइनस एन टी एंड सी, इस फार्मूले को हम जानते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यू हैव दिस, यू हैव दिस, यू हैव दिस, बट यू नॉट हैव दिस, बट यू कैन हैव दिस, सो इसको हैव करें। टी यूनियन सी ये दर्शाता है कि भाई कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक ड्रिंक जरूर पीते हैं। ठीक, अच्छा ये दिख रहा है ना टॉप पे जो है, ठीक है। सो एन टी इज व्हाट हियर 150, प्लस एन सी इज व्हाट 225, माइनस आपका कितना है 100। ठीक, तो भाई ये देख के बताएं, दिस इज 1 to 5, इसका डिफरेंस ले लीजिए 1 to 5, और दिस कितना हुआ आपका 275 के नहीं, ओके, तो 275 आउट ऑफ व्हाट 600, कम से कम एक ड्रिंक जरूर पीते हैं। तो अब लिखें, देयर फोर एन नीदर टी नॉर कॉफी इज टोटल स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, दैट इज 600 और माइनस व्हाट 25, सो व्हाट यू गेट, 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही क्या पीते हैं कॉफ़ी। ठीक, तो आई होप यू गेट दिस। ठीक, अच्छा ये यहाँ तक बच्चों का कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक मेथड और कराता हूँ, इसका सेकेंड मेथड,
याद है, अब हमारा लेवल अप हो गया है। तो जो नीदर टी नॉर कॉफ़ी है, इसकी ट्रांसलेशन अगर अंग्रेजी का है, ये नीदर टी नॉर कॉफ़ी को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ सेट्स की भाषा में, तो ये टी एंड टी डैश एंड सी डैश आएगा। याद करें, डी मॉर्गन भी पढ़ ली अब हमने, सब कुछ हो गया है। तो थोड़ा मैं सेकंड मेथड एडवांस लेवल का है, बट ये हर बच्चे को समझ आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल वे है। बट ये थोड़ा सा भाई आपको क्लियर और बेटर, आपके जो लॉजिक हैं वो ठीक ठाक और बढ़िया हो जाएं, और आपको पता लगे डी मॉर्गन हम क्यों पढ़ते हैं। सो बाय डी मॉर्गन थ्योरी, टी ये आपका यूनियन सी का होल का डैश है, ठीक। और ये अगर देखें, डी मॉर्गन लॉ याद है ना आपको, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ए यूनियन बी, यूनियन बी का जो डैश है दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है। और ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, इसी की ट्रांसलेशन होती है नाइदर ए नॉर बी, ठीक, एंड की साउंड आती है उसमें। तो ये जो होता है, दिस इज व्हाट टोटल माइनस एन टी यूनियन सी। तो बात वही हो गई कि नहीं? ये तो मैंने नॉर्मल भाषा में समझा दिया भाई, टोटल स्टूडेंट माइनस एन टी यूनियन सी। तो भाई ये नाइदर नॉर जो मेथड होता है, एक्चुअली ये होता है, तो टोटल जितने भी अवेलेबल स्टूडेंट या सैम्पल होगा, उसमें से हम एटलीस्ट वन ऑफ देम की कैटेगरी के जो आपके दे रखे होंगे ऑब्जेक्ट्स की संख्या, वो घटा देंगे, तो वो नाइदर इस क्लास को फॉलो करेंगे ना इसको फॉलो करेंगे, ठीक। तो ये घूम फिर के देखो, यही फार्मूला ड्राइव हो गया नहीं हो गया, बट ये बहुत इजी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये थोड़ा सेकंड मेथड मींस क्या है कि करना तो ये पड़ेगा, बट क्या है कि टोटल में से माइनस क्यों करा, उसका एक थोड़ा और रीज़न बेटर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो वो इसके बाद तो यहीं से आप कनेक्ट हो जाएं सेम मेथड, ठीक। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 14th को नोट करें, ठीक। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14 का कहना क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो पढ़ी लिया हमने, मेन 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो एच ले रहा हूँ मैं फॉर हिंदी 100, ठीक। और कहता है ये 100 है, अच्छा हिंदी के बाद कहता है 50 नो इंग्लिश, तो भाई अंग्रेजी के जानकार हैं 50, और 25 नो बोथ, दैट मीन्स हिंदी एंड अंग्रेजी कितने लोग हैं ऐसे जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, 25 ऐसे लोग हैं। अब कहता है कि भाई हमने जो फाइंड करना है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, ये भी इसका सेंटेंस बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। तो अब वो ग्रुप में कितने पीपल हैं, कितने कितने स्टूडेंट हैं, तो एट मतलब हिंदी और इंग्लिश जानता है बच्चा, ठीक। तो इट मींस जो टोटल ग्रुप होगा, क्योंकि एक ना एक भाषा बोल सकता है बच्चा जो है, तो ये उस स्थिति में ये आपका एन एच यूनियन ई हो जाएगा कि नहीं, एंड दैट एन एच यूनियन ई इज व्हाट, एन एच प्लस एन ई, ठीक, और माइनस में एच एंड ई। देख लीजिए सब बच्चों ने फार्मूला नोट कर लिया, वही टू सेट्स का फार्मूला। तो दिस इज 100 प्लस 50 95, ओके। तो भाई ये कितना आ गया आपका 125, आपके पूरे ग्रुप में ऐसे बच्चे की संख्या है, ठीक है, जो कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखते हैं, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन को नोट करें थोड़ा। ये अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 3 सेट्स पर बेस्ड है, मैंने 3 सेट्स की थ्योरी भी आपको बेसिक पढ़ाते वक्त है ना करा दी थी, याद करें कि 3 सेट्स की थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं, तो भाई उसके अबाउट है। अब ध्यान से देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, पहले इसका लिख लीजिए, कहता क्या है। कहता है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब सर्वे हो रहा है ऑफ 60 पीपल से बातचीत, मतलब पूछताछ हो रही है, और किसके रिगार्डिंग हो रही है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, मतलब एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 पीपल पाए गए, 60 लोगों से बात करी हमने। दूसरा है टी न्यूज़पेपर, तो टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 26, मीन्स 26। अच्छा, 26 ही आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओके। और ये कहता है कि भाई 9 ऐसे हैं जो एच एंड आई पढ़ते हैं, ठीक, जो 9 हैं वो एच एंड आई पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांसलेशन 11 एच और टी पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे देखें इसमें क्या कहता है, 8 बोथ टी एंड आई, ठीक, टी एंड आई 8 है। अब ये कहता है 3 ऐसे हैं ऑल 3 न्यूज़पेपर, ऐसे भी लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आज की तारीख में भी। ऐसे 3 लोग मिले, ज़बरदस्त टाइम था इन पे, ये तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक। अब आप देखें फॉर 3 सेट्स जो है, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, इसका मैं लिखवाने जा रहा हूँ, उसके बेस पे क्वेश्चन होगा। तो उसमें हम अगर एन एच यूनियन टी यूनियन आई निकालेंगे तो वो जो फार्मूला निकाल के देगा, वो निकाल के देगा एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। उसमें एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी आएंगे, दो भी आएंगे, तीन भी आएंगे, ठीक। सो फॉर 3 सेट्स वी नो फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ वॉट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद करने का स्टाइल ये है कि एक एक वालों को तो एन ए एन बी एन सी को जोड़ो, दो दो के इंटरसेक्शन को घटाओ और ऑल 3 के इंटरसेक्शन को जोड़ो, ठीक। और अब देखें हियर, ये ए बी सी के स्थान पर कौन आ गए हैं, एच आ गया है, यूनियन टी आ गया है, यूनियन आई आ गया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस फार्मूला यू आर एबल टू राइट एन एच एन टी एन आई और माइनस में दो दो का इंटरसेक्शन घटा हो गया एच एन टी माइनस आपका भाई एच एंड आई माइनस आपका भाई टी एंड आई और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, एन एच है 25, एन टी है 26, एन आई है 26, एच एंड टी इज 11, एच एंड आई इज व्हाट, एच एंड आई इज 9 और 9 है और टी एंड आई इज व्हाट 8 एंड प्लस ऑल ऑफ द 3 इज 3, ऑल ऑफ द 3 कैटेगरीज के 3 हैं। तो भाई ये देखें 11 और 9 20 और ये 28 में घटा 28 प्लस का 3 है तो कितना रह गया, माइनस का 25, माइनस का 25 और ये प्लस का 26 तो प्लस 1, प्लस 1 और ये 26, 26 कितने हो गए 52। आपके ऐसे पूरे के पूरे ऐसे बंदे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं। आर दिस एम्प्लाइज 52 पीपल ही है ना, कि स्टूडेंट हैं, हाँ पीपल, पीपल रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर। अच्छा, पूछा हमसे यही है क्या, देखें। अच्छा, पहला पार्ट यही पूछा है इसने, तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म हो गया।
अब सेकंड पार्ट कहता है नंबर ऑफ पीपल हु रेड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं हमें वो बताने। अब इसका मैंने तुम्हें उस दिन फॉर्मूले भी लेक्चर जब इसका था तो मैंने ये भी समझा दिया था। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाएं, सबको दिख रहा है ना, देखें एच है ये टी है और ये आई है, ये एच है ये टी का सर्कल है या आई का सर्कल है, ये एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं पूरा सर्कल, ये टी पढ़ने वाले हैं ये आई पढ़ने वाले हैं, इनमें ये एच और टी वाले हैं ये टी और आई वाले हैं और ये आई और एच वाले हैं, और ये तीन जो जबरदस्त वाले हैं ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं जहाँ मैंने डॉट लगाया। अब डॉट हटा दूँ फिलहाल। अब हमारा एग्जैक्टली उसने बोला सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, नंबर ऑफ पीपल जो हैं जो आपका एग्जैक्टली वन न्यूज़ पेपर रीड करते हैं, ठीक। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चाहिए कि ओनली एच वाले क्या हैं, ओनली आपके टी वाले क्या हैं, ओनली आपके आई वाले क्या हैं, ठीक। मतलब ओनली एच प्लस ओनली टी और ओनली आई। तो देखें एन इज ओनली एच, ठीक, बट नॉट टी एंड आई। इसका मतलब ये हुआ ओनली आपका टी। अब मैं आपको फॉर्मूला उस दिन बनाने बताए थे ना, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, मैं आपको फॉर्मूले बना कर ही सिखाऊंगा ये, ठीक। उस दिन भी सिखाए थे ओनली आई, लेकिन आज आपको ये सवाल करा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। ओनली एच के बारे में सोचें, ओनली एच देखें ग्राफ के, मतलब सर्कल में इस डायग्राम के अंदर ये है जो मैं डार्क जिस पे मार्कर फेर रहा हूँ, ये पार्ट ओनली एच वाले हैं। अब मुझे ये निकालना है, अगर ये पार्ट, ये जो पार्ट है ओनली एच वाला, ये पार्ट मैंने शेड कर दिया ओनली एच का है, ये आपका ओनली टी का है और ये आपका ओनली किसका है, आई का है। अब इमेजिन मुझे ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एच के सर्कल पे जाऊँगा, एन एच में से एच एंड टी उड़ा दूंगा, एच एंड आई उड़ा दूंगा, लेकिन ये पर्टिकुलर ये पार्ट कितनी बार डिलीट हो गया हमारा, दो बार, तो उसको वन टाइम जोड़ दूंगा, तो हिसाब बराबर हो गया नहीं हो गया, ठीक, ओके। दोबारा देखें एच के सर्कल में से एच एंड टी ये डिलीट, एच एंड आई ये डिलीट, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट कितनी बार डिलीट हो गया, दो बार, लेकिन भाई हमें दो बार थोड़ी घटाना है, एक बार, तो एक बार इसे जोड़ के हिसाब बराबर कर दो। तो मैं इसी वे में यहाँ लिख रहा हूँ। अब फॉर्मूला ध्यान से बनाएं, एन एच में से क्या उड़ाया, एच एन टी उड़ गया ये वाला पार्ट, इस सर्कल में से ये पार्ट उड़ा एच एन टी, एंड एच एंड आई उड़ा दो, फिर इसको जोड़ दो, आपका बन जाएगा ये। तो एन एच एन टी और माइनस एच एंड आई और प्लस कितना आपका, एन एच एंड टी एंड आई, ये मात्र किसका बना है, ओनली एच का, प्लस ओनली टी का बनाओ ऐसे ही, एन टी, एन टी में से एच एन टी घटाओ, क्योंकि जो रटता है देखो वो फंसता है, आप बनाना सीखो, ये जो है एच एन टी उड़ा और फिर टी एंड आई उड़ाओ और फिर इसे ऐड कर दो, एन एच एंड टी एंड आई, ये आपने इसमें ऐड कर दिया, प्लस फिर तीसरे सर्कल पे आओ एन आई में, इस एन आई के सर्कल में से एच एंड आई उड़ा दो और टी एंड आई उड़ा दो, तो टी एंड आई, एच एंड आई और प्लस एन टाइम्स एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक। तो अब मैं इसका फाइनल फॉर्मूला बना रहा हूँ, मतलब ये यहाँ तक तीनों ऐड होंगे, तो इसमें जो जो आपका फाइनल बन रहा है मैं लिख रहा हूँ, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, एक एक बार है सब, ये और ये। अब इसमें देखें एच एन टी यहाँ है, एच एन टी यहाँ है, एच एंड आई यहाँ है, एच एंड आई यहाँ है, टी एंड आई यहाँ, टी एंड आई यहाँ, तो सब दो दो बार है, घटा वाले जो हैं,
-2 H&I, H&T -2 टाइम्स आपका N H&I, -2 टाइम्स N T&I, देखें कोई रिपीट तो नहीं हो गया, ST, TH, I और TI, ठीक है। और प्लस होगा, ये 3 बार आ रहा है ये फार्मूलेशन जो हमने बनाई इसकी, ये पूरा फार्मूला था इसका एग्जैक्टली 1 का, तो 3 टाइम्स N इज H एंड T एंड वट I। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों के। अब जस्ट पुटिंग करनी है, और वैसे बच्चों को दिख रहा है ना, देखो अगर कहीं भी, हाँ वैसे दिख रहा है, कोई टेंशन अभी नहीं है, तो जस्ट कैलकुलेशन बाकी है। अब देखें 25 पुट करो, प्लस NT इज व्हाट, 26 NI इज व्हाट, 26 H एंड T, 2 टाइम्स H एंड T, H एंड T 11 है, -2 टाइम्स आपका H एंड I कितना है, H एंड I इज 9 है, तो इसका 2 टाइम्स, -2 टाइम्स आपका बचा है H एंड I हो गया, T एंड I इज वट 28 है, जस्ट 8। और भाई 3 टाइम्स किसका, ऑल थ्री का, ऑल थ्री इज 3, ठीक। सो इनको जितना ऐड हो रहा है उतना तो कर ही दो, ठीक। ये आपका 52, 52 और ये 7 और ये 77, ओके। 52 में ये ऐड कर लीजिए आप, तो -22 थोड़ा छोटा हो गया ना, और -22, -18 और -16, ठीक। और प्लस में कितना, 9, तो ये आप सॉल्व करें कितना, -7, -47, -47 और इसमें से गए 77, तो नेट कितना बच रहा है आपका, 30 और नॉट, चेक कर लीजिए। दिस और दिस कितना आपका, जस्ट -7, -7 और ये -40, -47 और +77, तो भाई ये 77 -47 इज 30 और नॉट। सो दिस इज़ योर आंसर एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान से स्टडी करें, और ख़ास तौर से ये जो बनाया है ना फॉर्मूला, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ओके। इसको ध्यान से नोट करें, फिर इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। और नहीं समझ में आया हो तो भाई एक बार और ढंग से समझ लेना, आपके पास सुविधा उपलब्ध है, और इसको पॉज करके पूरा कॉपी भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो अब 16th क्वेश्चन जो है इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनली आज ख़त्म होने जा रही है। पिछले लेक्चर में याद है ना, थ्योरी के चक्कर में इतनी थ्योरी थी कि दिमाग की बैंड बज गई थी, तो मुझे बीच में ही रोकना पड़ा कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग में थ्योरी थ्योरी हो गई थी, तो ये सवाल पूरे कर पाना उस दिन संभव नहीं हो रहा था, इतना माइंड एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा था। तो क्वेश्चन 16, तो आज तो देखें फटाफट खिंच गया जो है, लेकिन आज भी टाइम लगा। तो इन 16th क्वेश्चन को पढ़ें। इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए एंड 26 लाइक द प्रोडक्ट बी। सो सर्वे का ही क्वेश्चन है ये भी, ए जो प्रोडक्ट है वो कितने लोगों ने कहा इट्स ओके या बढ़िया है या यूज़ करते हैं, 21। बी प्रोडक्ट है वो कितने लोग यूज़ या लाइक करते हैं, 26। अच्छा, सी जो प्रोडक्ट है वो कितने लोग लाइक करते हैं, देखें सी प्रोडक्ट है 29, और भाई ए एंड बी वाले कितने हैं, ए एंड बी इज 14, और बी एंड सी वाले जो हैं 12 पीपल लाइक सी एंड ए हैं, तो कोई नहीं पहले सी एंड ए लिख देते हैं, ए एंड सी या सी एंड ए एक ही बात है, ए एंड सी लिख देता हूँ, कोई ऐसी टेंशन नहीं। फिर आगे पढ़ें, बी एंड सी लाइक करते हैं, गड़बड़ हो गई, 12 पीपल थे ए एंड सी के, है ना, और 14 थे बी एंड सी, तो कोई नहीं, बी एंड सी इज 14, ओके। अब ये कहता है 8 जो हैं वो तीनों लाइक करते हैं, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन व्हाट सी, 8 हैं ऐसे। तो कहता है ये बताएं कि हाउ मेनी लाइक सी प्रोडक्ट ओनली। तो देखो अभी मैंने 15वें क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन कराई था,
उसका फ्री यूज आ गया इसमें, ठीक। तो भाई ओनली सी, इसको वापस मैं इसको डायग्राम से समझा दूं तो बेटर होगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट है ए, ये है बी और ये सी। अभी कहते हैं ओनली सी, तो ओनली सी तो ये हुआ ना। ओनली सी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सी में से ए एंड सी उड़ा दो, डिलीट कर दो, बी एंड सी उड़ा दो मींस डिलीट कर दो, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट कितनी बार डिलीट हो गया आपका? दो बार, तो वन टाइम ऐड कर दो, हिसाब बराबर। तो कितना आसान है गणित, एन सी में से क्या क्या डिलीट होगा? एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या होगा इसमें? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप मतलब फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला बनाना सीखो ऑन द स्पॉट। तो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो आप ज़रूरत पड़ने पर फार्मूला खुद मेक कर दें। तो ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे गणित को। तो ज़रा देखें, तो व्हाट इज़ एन सी इज़ व्हाट अवेलेबल हियर 29, एंड ए एंड सी इज़ व्हाट 12, एंड बी एंड सी कितना है आपका 14, और प्लस कितना आपका ऑल टुगेदर, ऑल वाले ए एंड बी एंड सी वाले कितने 8 हैं। तो अब ज़रा बताएं कि ये और ये कितना आ गया, या माइनस 14 और 8 हो गए माइनस 6, माइनस 18, माइनस 18 और इसमें ये कितना डिफरेंस हो गया 11। तो ऐसे कितने पीपल हैं जो कि आपका ओनली सी का प्रोडक्ट आपका यूज़ करते हैं, वो 11 है। और देखें, तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, 15वां क्वेश्चन करने के बाद तो बहुत ही बेकार लग रहा है। ज़रा देखें इसमें कुछ और तो नहीं पूछा, एक बार रीड कर लो। फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, बस इसने यही पूछा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा, ठीक। तो फाइनली हमारा सेट्स जो है, सेट्स की मिसलेनियस फिनिश हो गई। अब हम जब भी करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको पूरे चैप्टर को ढंग से आप स्टडी करें, ठीक। और अगली बार हम नए चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। ओके, जय गणित।